हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओरल पॉइंट्स। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट, एक नए क्वेश्चन नए कांसेप्ट के साथ। आज क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो क्वेश्चन पुराने मतलब पिछले एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं कि एसएससी के चाहे एग्जाम हो चाहे किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन बहुत प्रॉफिट लॉस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आज हमारा कांसेप्ट होगा कुछ क्वेश्चन के ऐसे कांसेप्ट होगा कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 10 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा लाभ हो रहा है, तो कह रहे इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को मैं आपको कितने ओरल तरीके से कराऊंगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आंसर आपके दिमाग में आएगा। जैसे बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन हमारा कहा गया कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कह रहा हमारा, कह रहा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा लाभ हो तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि हो तो हानि प्रतिशत बताइए। आप मुझे बताइए, अगर हम इसको चाहे तो सीपी अपान हमने क्या कर लिया, एसपी कर लिया, और इधर देखिए 7 अपान क्या हो गया, 5 हो गया, इधर लेके चले गए। अब आप मुझे बताइए कि क्रय मूल्य हमारा कितने भाग निकल रहा, 7 भाग, विक्रय मूल्य हमारा निकल रहा 5 भाग। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी चीज का क्रय मूल्य 7 रुपए है और 5 रुपए में बेच रहा, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा भाई, नॉर्मली है कि हानि होगा। कितना हानि होगा, हानि प्रतिशत निकालना है, तो आप मुझे बताइए कि कितना हानि हो रही है, 2 रुपए की हानि हो रही है, कितने में से 7 रुपए में से गुणे हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब आप मुझे बताइए 200 बटे कितना हो गया, 7, 200 बटे कितना हो गया, 7, यानी कितना परसेंट की हानि हो गई, 28 सही 4 बटे 7 परसेंट की क्या हो गई, हानि हो गई। देखिए कितना ओरल तरीके से हमने क्वेश्चन किया। चलिए यही कांसेप्ट से क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यानी सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए इधर, क्रय मूल अपान नीचे क्या हो गया, विक्रय मूल बराबर हो गया 14 बटे कितना हो गया, 16 हो गया भाई, इधर चले आए। अब आप मुझे बताइए 2 बटे कितना हो गया, 14, 2 बटे कितना हो गया, 16, 7 बटे 8। यानी आप गौर करिए, क्रय मूल हमारा कितना है 7 और विक्रय मूल हमारा कितना है 8, तो बताइए लाभ होगा कि नहीं होगा। अच्छा लाभ होगा तो कितने प्रतिशत होगा, तो आप मुझे बताइए कि लाभ प्रतिशत बराबर, अगर हम लाभ प्रतिशत निकालना, तो देखिए 7 रुपए कोई सामान 8 रुपए में बेची जा रही, तो लाभ हो रहा है 1 रुपए का, कितने रुपए में, 7 रुपए में, अगुड़े हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो अगर हम परसेंट निकाले तो कितना आ गया, 14 सही 2 बटे 7 परसेंट, 14 सही 2 बटे 7 परसेंट का क्या होगा, लाभ हो रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, पिछले एग्जामों में, तो देखिए कितने ओवरऑल तरीके से हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए वही क्वेश्चन वही कांसेप्ट, लेकिन अब देखिए वर्डिंग, देखिए क्वेश्चन की बदल दी गई वर्डिंग में। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, यानी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब आप बात ये समझिए, कह रहा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में कह रहा कि 4:3 का अनुपात है, यानी कितना अनुपात दे दिया, 4:3 4:3 का अनुपात दे दिया, तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब मुझे आप बताइए, कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो आप मुझे बताइए एक बात, अगर हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो आप इधर देखिए हमने क्रॉस गुणा किया, देखिए 5 लिख कर कितना हुआ 15 सीपी, बराबर 4 चौक कितना हुआ 16 एसपी,
तो आप मुझे बताइए सीपी अपान हमने क्या कर लिया एसपी बराबर 16 बटे कितना हो गया 15 16 बटे कितना हो गया 15 यानी कि आप मुझे बताइए क्रय मूल्य 16 रुपए है 15 विक्रय मूल्य कितना आ गया 15 रुपए तो बताइए हानि हुई कि नहीं हुई अब हानि कितनी हुई तो आप मुझे बताइए अगर हानि हुई तो हुई कितनी तो हानि परसेंट बराबर कितनी हानि हो रही 1 रुपए की हानि हो रही कितने में हो रही 16 रुपए में हो रही अब गुणे हमने क्या कर दिया 100 क्या कर दिया 100 अब आप देखिए 4 चौक 16 4 25 हम 100 देखिए कितना आया 25 4 का भाग दोगे तो 6 सही 1/4% इसको क्या हो रही हानि हो रही अब देखिए वही क्वेश्चन था वर्डिंग अलग की गई इसमें रेशियो दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं हमको भाई हमने रेशियो में बटन कर दिए थे कि हमने क्रॉस गुणा करा के तुरंत आंसर निकाल लिया है कि नहीं इसी में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन है कह रहा 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यानी आप समझिए 2750 वस्तुओं को क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए अब आप मुझे बताइए 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है तो कह रहा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए अब इधर देखिए सीपी अपान क्या कर लिया एसपी बराबर 2500 बटे कितना हो गया 2750 जीरो और जीरो क्या हो गया कैंसिल हुआ चलिए ठीक है कोई अच्छी बात कैंसिल हो गया देखिए 25 दाम में कितना होता है 250 25 ग्राम में होता है 275 यानी ये बताइए सीपी अपान एसपी बराबर हो गया 10 बटे क्या हो गया 11 यानी आप मुझे बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 विक्रय मूल्य कितना है 11 तो आप मुझे नॉर्मली बताइए लाभ हुआ कि हानि हुई लाभ हुआ भाई 10 रुपए का सामान आप 11 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ हुआ अच्छा कितना लाभ हुआ आप मुझे बताइए 1 रुपए का लाभ हो रहा है कितना लाभ हो रहा है 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो आप मुझे बताइए लाभ प्रश्न इधर देखिए लाभ लाभ परसेंट बराबर अगर 1 रुपए का लाभ हो रहा कितने में से हो रहा 10 रुपए में से गुणे बटे 10 गुणे कर दिए 100 10 दाम में कितना हुआ 100 यानी कितने परसेंट का लाभ हो गया 10% का लाभ हो गया कितने परसेंट का 10% का देखिए ऐसे कांसेप्ट पर विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस आपको घबराना नहीं देखते जाइए मैं कितने टाइप क्वेश्चन करा रहा हूं ये कांसेप्ट से देखिए पांचवा क्वेश्चन अब देखिए पांचवा क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं तो देखिए कितना अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन कांसेप्ट अपना सेम है क्वेश्चन कहा गया कि 5 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा तो कह क्या रहा है तो मेरा वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए अब देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके से करता हूं आप समझिए कह रहा 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो आप ये बताइए लाभ हो रहा है पिछले क्वेश्चन में ऐसा टाइप का क्वेश्चन था नहीं इसमें कह रहा है लाभ हो रहा तो आप मुझे बताइए कि लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य तो कह रहा है कि 5 वस्तुओं बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा अच्छा आप ये बताइए अगर 5 वस्तुएं बेची जा रही 5 एसपी तो 5 वस्तु खरीदी भी तो गई होगी यानी माइनस का 5 सीपी कह रहा जो लाभ हो रहा है वो 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा तो 2 वस्तु विक्रय मूल्य यानी 2 एसपी देखिए बन गया कितना बन गया कांसेप्ट समझिएगा अच्छे से कह रहा 5 वस्तुओं को बेच कह रहा 5 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा तो देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि लाभ हो रहा कितना लाभ हो रहा 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अच्छा आप बताइए अगर 5 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो 5 वस्तुएं खरीदी भी गई होंगी ना जब खरीदोगे तभी तो बेचोगे यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर हो रहा लाभ
पांच वो सॉरी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए इसको हल करें, चलिए इसको हम इधर लाए तो यानी आ जाएगा पांच सी पी, और अगर हम इसको उधर ले जाए तो देखिए माइनस हो जाएगी थ्री एस पी। तो इधर देखिए सी पी अपान क्या हुआ एस पी बराबर कितना हो गया तीन बटे कितना हो गया पांच, तीन बटे पांच। ये समझिए क्रय मूल्य हमारा कितने रुपए आ रहा, तीन रुपए, और विक्रय मूल्य हमारा आ रहा पांच रुपए, कितना आ रहा पांच रुपए। तो आप मुझे बताइए कि लाभ हुआ कि हाँ नहीं, लाभ हुआ, चलो ठीक है लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ देखिए, कितना लाभ हो रहा दो रुपए का लाभ हो रहा, कितने में से तीन रुपए में से, अब गुणे कितना कर दिया सौ, इधर देखिए दो सौ बटे कितना हो गया तीन। अब इसको अगर कट कर देखो तीछा कितना हुआ अठारह, फिर देखो छाछठ सही दो बटे कितना हो गया तीन परसेंट, यानी उसका वास्तविक लाभ कितना है छाछठ सही दो बटे तीन परसेंट। समझे आप बात की नहीं समझे, अब आप फिर समझिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कह रहा कि दूसरे तरीके इस क्वेश्चन का कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि भाई पांच वस्तुओं का, पांच वस्तुएं बेचने पर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कह रहा वास्तविक लाभ। चलिए हमने मान लिया, मान लिया, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक रुपए, चलिए एक रुपए मान लिया, मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है एक रुपए है। तो बताइए पांच वस्तुएं बेची जा रही हैं तो सेल प्राइस ने कितना हो जाएगा पांच, क्लियर। कह रहा है दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट यानी लाभ हमारा कितना हो जाएगा दो रुपए, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माना एक रुपए, तो लाभ कितना हो रहा दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कितना हो गया दो रुपए। पांच वस्तुएं बेची जा रही है तो पांच वस्तु के विक्रय मूल्य कितना हो गया पांच रुपए, तो कह रहा लाभ प्रतिशत। अब अच्छा आप मुझे बताइए लाभ हो रहा है दो का, लाभ कितना हो रहा है दो का, क्लियर है, लेकिन कितने में हो रहा है क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं। अब आप मुझे बताइए अगर पांच रुपए में कोई सामान बेचा जा रहा है, पांच रुपए में कोई सामान बेचा जा रहा है उसमें दो रुपए तुम लाभ ले रहे हो, तो ये सामान कितने रुपए का रहोगा तीन रुपए का रहोगा नहीं रहोगा, तो यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया तीन। अब परसेंट तेल निकालना तो गोड़े हमने क्या कर दिया सौ, तो आप मुझे बताइए दो सौ बटे कितना हो गया तीन, कितना देखिए आंसर आ गया छाछठ सही दो बटे तीन परसेंट, बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत। देख कितने ओरल तरीके से हमें क्वेश्चन करें, चाहे आप ये कांसेप्ट रचवाइए चाहे आप ये कांसेप्ट रचवाइए। चलिए मैं आपको और अच्छे कांसेप्ट बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बढ़ते हैं देखिए छठे क्वेश्चन की ओर। कहा गया बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए इसको अगर हम ओरल तरीके से करना चाहें तुरंत देखिए तुरंत कैसे करेंगे, देखिए बहत्तर वस्तुओं बेचने पर एक आदमी को नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। इधर देखिए मान लिया, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा एक रुपए, कितने रुपए एक रुपए। तो अच्छा आप बताइए बहत्तर वस्तु को बेचने पर, तो बताइए यानी एक वस्तु को बेचने यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक रुपए, तो बहत्तर वस्तु बेची गई यानी कि उसका टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा बहत्तर रुपए, कितना हो जाएगा बहत्तर रुपए। आगे कह रहा है कि नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य को हानि होती, नौ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, यानी बताइए लॉस कितना हो रहा है नौ रुपए, भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक रुपए तो नौ वस्तुओं का नौ रुपए, तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। देखो हानि तो हो रही है, कितनी हानि हो रही वास्तविक हानि उसका प्रतिशत निकालना है। देखो हानि प्रतिशत बराबर हानि नौ रुपए, अच्छा चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हमेशा नीचे कितना करते हैं सौ करते हैं सॉरी क्रय मूल्य करते हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर बहत्तर रुपए का सामान हम बेच रहे हैं उसमें से आपको नौ रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो यानी हमारा क्रय मूल्य कितना रुपए रहा होगा, देखिए बहत्तर और कितना इक्यासी रुपए। आप खुद सोचिए अगर मान लीजिए बहत्तर रुपए कोई हम आपने सामान बेचा
उसमें से आप 9 रुपए हानि उठा रहे हैं, यानी सामान कितने रुपए खरीद के लाए, लेकिन इसका क्रय मूल्य कितना होगा 72,981 रुपए। तो नीचे देखिए 81 अब गुणे हमने कर दिया 100, देखिए 9 नहीं 81 100/9 यानी 11 सही के करते 9% दूसरी क्या हो गई हानि हो गई। देखो वास्तविक पानी कितने निकली 11 सही 1/9%। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने यही कांसेप्ट पे अगले क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखिए तुरंत क्वेश्चन होगा, 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कह रहा हानि प्रतिशत बताइए। यानी 10 वस्तुएं जब बेची जाती हैं तो अगर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए पिछले क्वेश्चन जो थे वहां कह रहा था विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, यहां पर कह रहा क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो आप ये बात समझिए अच्छे से कि क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो देखिए मान यहां पर मान लीजिए, जैसे वहां पर माने थे कि 1 वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, यहां पर मान लीजिए कि 1 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए। तब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 10 वस्तुएं बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 10 वस्तुएं जब बेची जाती हैं तो 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही हानि हो रही है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि 1 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो हानि हमको कितनी हो रही, लास्ट कितना हो रहा है 2 रुपए बराबर। क्लियर, क्या वस्तुएं बेची जा रही है 10 वस्तुएं बेची जा रही है। तो आप अच्छे ही बताइए, अगर 10 वस्तुएं बेची जा रही हैं तो 10 वस्तुएं खरीदी भी तो गई होंगी, खरीदी गई होंगी नहीं खरीदी गई होंगी। तो आप मुझे बताइए कि 1 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए हमने मान लिया तो लास्ट हमारा कितना हो रहा है 2 रुपए हो रहा है, और कह रहे 10 वस्तुएं बेची गई है, 10 वस्तुएं क्या हो गई बेची गई। तो अब इधर देखिए सीपी कितना होगा, 10 सीपी कितना होगा 10 भाई 10 वस्तुएं अगर बेची जा रही हैं तो 10 वस्तुएं खरीदी की तो गई होगी। आप खुद सोचिए कि 10 वस्तुएं अगर बेची गई तो 10 वस्तुएं क्या हो गई खरीदी गई, हानि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो हमने मान ली कि 1 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो हानि कितना हो रही 2 रुपए हो रही। तो कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें देखो डायरेक्ट हानि प्रतिशत बताना है तो हानि हमको कितने रुपए की हो रही 2 रुपए की, कितना क्रय मूल्य कितना है 10 हमने कर लिए 100, देखिए 2 × 5 = 10 5 × 20 हम कितना 100, देखिए कितने परसेंट हो गया 20% के हो गया वो हानि हो गई। अब देखिए यही कांसेप्ट अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा ये बताइए 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए मान लो भाई माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, कह रहा 15 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, बताइए लाभ कितना होगा 3 रुपए। भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए तो लाभ कितना हो गया 3 रुपए। अच्छा आप मुझे बताइए अगर 15 वस्तु बेची जा रही है, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए तुमने माना तो क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया 15 रुपए हो गए। भाई अगर 15 वस्तु बेची जा रही है तो 15 वस्तु खरीदी भी तो गई होगी, भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य तुमने 1 रुपए माना तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 15 रुपए, लाभ कितने बराबर हो रहा 3 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर तो 3 रुपए लाभ हो गया। लाभ होता है देखिए लाभ प्रतिशत बराबर 3/ कितना हो गया 15, भाई लाभ बटे क्रय मूल्य बोले हमने क्या कर दिया 100, 3 × 15 = 10 यानी कितने परसेंट का लाभ होगा उसको 20% का लाभ होगा। देखिए आराम से हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब देखिए जो आगे हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं कांसेप्ट अपना सेम है, बस क्वेश्चन देखो चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में, देखिए
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नए अगले क्वेश्चन 9 में। कह रहा है एक वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है, कह रहा है जितना कि 610 रुपए में बेचने पर होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए क्वेश्चन जैसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है देखिए कितने आराम से हम करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु है, कह रहा वही वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर लाभ। अब इधर देखिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ लाभ। कह रहा वही वस्तु को 610 रुपए में बेचने पर हानि, ये क्या होता है? बराबर होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बना लाभ बराबर हानि। अच्छा आप मुझे बताइए लाभ बराबर क्या होता है? सेल प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेल प्राइस। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट? अब समझिए तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है। कितने रुपए है? 100 रुपए। तो कह रहा 700 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ कितने रुपए में? 700 रुपए में, सॉरी 750 रुपए में। तो देखिए सेल प्राइस देगा 750 माइनस का क्रय मूल्य x। आगे कह रहा है कि वही वस्तु को 610 रुपए बेचने पर हुई हानि, तो देखिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस, क्योंकि क्रय मूल्य हमने क्या माना है x माइनस का 610, दोनों क्या है बराबर है। तो कह क्या रहा है? कह रहा है क्रय मूल्य बताइए। देखिए कितना आराम से कॉन्सेप्ट बना। अब देखिए इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x भाई x x जुड़ जाएगा तो माइनस का 2x। इसको आप उधर ले जाइए किससे जाएगा? माइनस से नहीं जुड़ेगा तो 7 5 12 1260 भी किससे? माइनस से कैंसिल हुआ। 2 6 12 तो क्या ही 6 2 630 यानी x बराबर 630। आगे की नहीं आगे देगी क्रम। देख कितना ओरल तरीके से हमने पूछे इसलिए ये तो मैंने आपको समझाया था ऐसे लिखना पड़ रहा है तो आप ओरल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन ही किस तरीके से और पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 1200 रुपए में फिर बेचने पर हुआ लाभ 940 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 50 रुपए अधिक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन बदल गया। ये कह रहा है कि अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा समझिए। कह रहा है कि एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 50 रुपए अधिक है, यानी कि लाभ हानि से 50 रुपए अधिक है। समझिए लाभ जो है वो हानि से 50 रुपए अधिक है, यानी समझिए कि लाभ और हानि का डिफरेंस किसके बराबर है? 50 रुपए बराबर। देखिए यही तो मतलब होगा भाई, कह रहा है लाभ हानि से 50 रुपए अधिक है। कहते हम अगर हम बोले कि भाई हम आपसे 50 साल ज्यादा बड़े हैं, यानी कि हमारे उम्र और आपकी उम्र कितना डिफरेंस होगा? 50 का होगा। वैसे ही लाभ 50 हानि से अधिक, यानी लाभ और हानि का डिफरेंस किसके बराबर? 50। देखिए कांसेप्ट बना। कह रहा क्रय मूल्य बताइए। हमने मान लिया क्रय मूल्य हमारा कितना है x। अब आप मुझे बताइए लाभ बराबर क्या होता है? सेल प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस का सेल प्राइस। तो कह रहा कि एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, 1200 रुपए पर बेचने पर देखिए लाभ तो 1200 माइनस का x, यानी समझिए विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। आगे कह रहा है 940 पर बेचने पर हुई हानि, तो हानि देखिए क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य 940। 50 रुपए क्या है अधिक? देखिए बन गए कांसेप्ट, बना कि नहीं बना आराम से। अब इसको हल करेंगे तो 1200 माइनस का x बराबर, सॉरी 1200 माइनस x माइनस का x इसमें गुणा करें तो प्लस का क्या हो गया? 940 बराबर कितना हुआ? 50। x और x कितना हुआ? माइनस का 2x। इसको जोड़ा जाए तो 12 का 21 प्लस का 2140 बराबर 50। तो आप मुझे बताइए माइनस का 2x उधर किससे जाएगा? माइनस से। 50 माइनस 2140, तो आप मुझे बताइए माइनस पर 2x इक्वल अगर इससे 50 कम कर रहे हैं तो कितना बचेगा? 2090, वो भी किससे? माइनस से बचेगा। ठीक है माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, कैंसिल किया गया तो x इक्वल क्या आ गया? 0 2 4 8 5 10, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है? 1045।
देखिए कितने ओवरऑल तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। चलिए यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन को बढ़िए। पहला अगला क्वेश्चन मैंने दिया कि भाई एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ और वही वस्तु को 1250 पर बेचने पर हुई हानि में 2:3 का अनुपात है, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए कहां से बनाइए, कह रहा लाभ और हानि में कितना अनुपात है, 2:3, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब आपको पता है क्रय मूल्य मान लिया हमने x मान लिया, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो आप बताइए कि कह रहा कि 1600 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, तो देखिए 1600 विक्रय मूल्य हुआ, हमने क्रय मूल्य क्या माना x / हानि कब हो रही है 1250 रुपए बेचने पर, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य यानी x माइनस का 1250, तो कह रहा है कि इनमें अनुपात कितना है 2/3। अब देखिए हल करो कितना मुजमानी तरीके से लोगे, देखिए 2x माइनस 1250 यानी कि 2500 भाई, 2 × 2 = 2500, देखिए 16 × 3 = 4800 माइनस का 3x। अब आप मुझे बताइए इधर गौर करिए, ये x को इधर लाओ तो कितना हो गया 5x और ये उधर किससे जाएगा प्लस से, तो देखिए 48 और 25 डबल 0 8 × 5 कितना हो 13, 4 × 2 = 6 कितना हो 7 हो गया कि नहीं। बताइए 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 = 2, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30 से 14 चले जाएंगे, बताइए उसका क्रय मूल्य कितना निकला 1460 रुपए, कितना निकला 1460। देखिए कितने ओरल तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इधर देखिए कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 1100 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, यानी लाभ हानि का 3 गुना है। इधर देखिए कांसेप्ट इसमें क्या बनेगा, लाभ बराबर हानि, अब कई गुना हानि है 3 गुना है, कितने गुना 3 गुना, तो करेक्ट क्रय मूल्य बताइए, हमने मान लिया क्रय मूल्य भाई x है। अब समझिए 1500 रुपए बेचने पर लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, देखिए 1500 माइनस का x 3, हानि क्या होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, तो देखिए 1100 रुपए में बेचने पर हुई हानि यानी x माइनस का 1100, क्लियर। देखिए 1500 माइनस का x बराबर इसको गुणा कराओ 3x माइनस का 3300 ये इधर आएगा कितना, देखिए ये इधर किससे आएगा माइनस का, देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये उधर किससे जाएगा माइनस इधर जुड़ जाएगा, तो देखिए माइनस कितना हो जाएगा 0 0 5 3 8 माइनस माइनस कैंसिल 4 × 4 = 4 × 2 = 8 = 1200 में बताइए x बराबर कितना आ गया 1200 आ गए 1200, देखिए क्रय मूल्य हो गए। तो आप मुझे बताइए, देखिए मैंने इस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आपको कराए, 10 12 12 क्वेश्चन करा दिए। अब आप मुझे बताइए कि इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करिए, हर कॉन्सेप्ट में वीडियो नया लेकर आ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, आपको जो क्वेश्चन बचे उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, बाकी आप देखते रहिए धैर्य बनाते रहिए, मैं आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो पर। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।